असरान का हुजूर। मेरा नाम नासिर अहमद है। मेरा का नाम अब्दुलरहीम अनीस है। मैं अब्दुलरहीम अनीस, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा ये सवाल था कि पढ़ाई में दिल लगाने के लिए आवाज़ फट रही है, ज़रा से पीछे हट जाओ। हाँ, पढ़ाई में दिल लगाने के लिए क्या किया जाए? ज़रा से आगे आ जाओ। हाँ, पढ़ाई में दिल लगाने के लिए क्या किया जाए? किसके लिए? पढ़ाई में दिल लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए तो दिल बिल्कुल नहीं लगता है। क्या वजह है? कभी गौर किया तुमने? नहीं, कभी कभी दिल नहीं लगता है पढ़ाई में। वो दिल उस चीज़ में नहीं लगता जो समझ ना आ रही हो, उसमें आदमी बोर हो जाता है। और वो बच्चे जिनको शुरू में एक चीज़ समझ ना आए लेकिन वो तेज़ी से आगे निकल जाएं और बीच में खला रह जाएं, उनकी पढ़ाई हमेशा वो उनके लिए समझने से बाला रहती है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं जो अगली पढ़ाई समझने में मुश्किल पैदा कर देती हैं। और जब समझ ना आ रही हो तो फिर नींद आ जाती है, फिर आदमी बोर हो जाता है। और जब किसी कामयाबी का मज़ा ना आए तो दिल नहीं लगता। तो जब तुम पढ़ाई में एक दफ़ा पीछे रह जाओ तो और दिल ना लगे तो उसका असल इलाज ये है कि वापस जाओ उन जगहों पे जहाँ तुम्हें सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखाई देती हो, जो बातें पूरी तरह समझ नहीं आई उनको वापस जाके कवर करो पूरी तरह और फिर आगे बढ़ो। और भी वजूहात होती हैं, बाज़ दफ़ा अकेले बच्चा पढ़ने वाला जो है खामोशी से, उसको कुछ देर कंसंट्रेशन करने के बाद फिर थक जाता है और नींद आने लग जाती है, फिर वो थक के छोड़ देता है। ऐसे बच्चों को चाहिए कि अपना कोई साथी ऐसा ढूंढें जो जिनको वो पढ़ाएँ, पढ़े नहीं, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा वही हाल हो जाएगा। कोई ऐसा कमज़ोर बच्चा ढूंढो जिसको तुम पढ़ाओ, और जो पढ़ाने वाला है वो हमेशा बेदार रहता है, जो पढ़ने वाला है उसको नींद आ जाती है लेकिन पढ़ाने वाले को नहीं आती। उसको एक चैलेंज है उसके सामने, उसको कोशिश करके सिखाना है किसी को, उसको कोशिश करनी है कि जिसको मैं सिखा रहा हूँ उसकी समझ में कुछ आ रहा हो, तो वो उसकी तैयारी आम तैयारी से बहुत बेहतर होती है। इसलिए बेहतरीन मशवरा मेरा तलबा को हमेशा यही रहा है, और वो उन्होंने जिसने इस्तेमाल किया है बाद में फीडबैक किया है ये बहुत कामयाब रहा है। कि जो निकम्मे तलबा थे उनको मैंने कहा दूसरों को पढ़ाओ, और एक चीज़ के मतलब कहो कि मैं फ़लाँ सबक तैयार करके आऊँगा तुम उससे पढ़ लो आके। पढ़ाने की नीयत से जब तैयारी करोगे तो तुम्हारे जहन पे बड़ा प्रेशर होगा, इसलिए तुम खूब याद करोगे अच्छी तरह। और जब उसको पढ़ाओगे तो जो चीज़ें भूल गई थी वो याद आ जाएगी कि कहाँ कहाँ मैं भूला हुआ हूँ, वहाँ किताब देखनी पड़ेगी। एक दफ़ा किताब देख लोगे तो वो जहन पे नक्श हो जाएगी बात। इम्तिहान में जाने के लिए तुम बेहतर तैयार हो जाओगे। एक दफ़ा अगर तुम्हें इम्तिहान में अच्छी कामयाबी मिल गई फिर तुम्हें ऐसा चस्का पड़ेगा कि बोर होने की बजाय तुम्हारा दिल पढ़ाई में लगा रहेगा, समझे जी। और आखिरी एडवाइस ये है कि अपने लिए दुआ किया करो, दुआ से बहुत बरकत मिलती है और अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, ताकि बच्चों को शुरू से ही खुदा पे एतमाद बढ़े और ताल्लुक़ पैदा हो। तो दुआ करके पढ़ा करो, और जो मैंने तरीके इस्तेमाल करने के लिए कहें इनको इस्तेमाल करके फिर चंद महीने के बाद मुझे ख़त लिखना और बताना कि मैं कौन हूँ और अब मेरा क्या हाल है। ठीक है।